देश का सबसे बड़ा आईपीओ, सबसे तेज ग्रो हो रही फिनटेक कंपनी, भारत के सफलतम स्टार्टअप का चेहरा डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम का आईपीओ जब लॉन्च हुआ तो कुछ इसी तरह की कीर्ति गाथाएं सुनाकर निवेशकों का उत्साह बढ़ाया गया और उन्हें आईपीओ में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लेकिन आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशक अब ठगे हुए लग रहे हैं। 2150 रुपए के इशू प्राइस वाला आईपीओ 72% तक लुढ़क चुका है, यानी निवेशकों के लगाए हर 100 रुपए अब सिर्फ 28 ही बचे हैं। आईपीओ लॉन्च होने के समय भी निवेशकों का ठंडा रिस्पांस था। उस समय आने वाले अधिकतर आईपीओस को निवेशकों ने हाथों हाथ उठाया था, लेकिन पेटीएम का आईपीओ 2 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हो सका था। ज्यादातर संस्थागत निवेशकों ने इससे दूरी बनाई हुई थी, लेकिन रिटेल निवेशकों में खरीदारी का जोरदार उत्साह था और उसी उत्साह ने उन्हें घाटे में चल रही कंपनी में पैसा लगाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन शेयर बाजार में लिस्ट होते ही पेटीएम की कलाई उतरना शुरू हो गई। पहले ही दिन आईपीओ निवेशकों को लगभग 26% का घाटा हुआ। शेयर घटकर 1586 रुपए तक जो आ गया था। ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी मैक्वेरी ने पेटीएम के बिजनेस मॉडल को दिशाहीन बताया था और शेयर को अंडर परफॉर्मर बताते हुए 1200 रुपए का प्राइस दिया था, जो इशू प्राइस से 44% कम था। पहले ही दिन पेटीएम के शेयर में आई गिरावट से जो आईपीओ निवेशक संभल कर बाहर निकल गए, उनको उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान उन निवेशकों को हो रहा है जो अभी भी अपना निवेश बनाए हुए हैं। मंगलवार को शेयर ने 584 रुपए का निचला स्तर छुआ है। सोशल मीडिया पर अब पेटीएम के शेयर का मजाक तक उड़ रहा है। पेटीएम की पैरेंट कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशन है। मजाक में लोग बोल रहे हैं कि पेटीएम का जायज भाव तो 197 रुपए ही है, यानी 197। ब्रोकरेज कंपनी मैक्वेरी ने इस साल जनवरी में पेटीएम के भाव के लक्ष्य को घटाकर 900 रुपए और करीब एक महीना पहले घटाकर 700 रुपए कर दिया था। फरवरी में ही कंपनी के तिमाही नतीजे भी घोषित हुए थे और 780 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। लेकिन पेटीएम के लिए और खराब दौर आना अभी बाकी था और उस दौर की शुरुआत शुक्रवार रात को हुई। रिजर्व बैंक ने पेटीएम बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने से रोक लगा दी, साथ में ऑडिट कराने का भी निर्देश दिया। पेटीएम पर मनी लॉन्ड्रिंग और KYC नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगा। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कंपनी के बड़े निवेशक सॉफ्टबैंक के प्रतिनिधि मनीष वर्मा ने कंपनी छोड़ दी। बस फिर क्या था, शेयर की पिटाई और शुरू हुई और मंगलवार को भाव घटकर 584 रुपए तक आ गया। अब बड़ा सवाल, क्या शेयर और टूटेगा? ब्रोकिंग कंपनी मैक्वेरी का मानना है कि RBI के कदमों का पेटीएम के कारोबार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैक्वेरी ने पेटीएम के लिए जो 700 रुपए का लक्ष्य दिया हुआ था उसे फिलहाल बरकरार रखा है। मॉर्गन स्टैनली का भी मानना है कि निकट भविष्य में अस्थिरता का माहौल मैनेज हो जाएगा, लेकिन शेयर के भाव पर रेगुलेटरी अनिश्चितता हावी रहेगी। मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम के शेयर का लक्ष्य घटाकर 935 रुपए कर दिया है और साथ में रेटिंग भी कम की है। आगे भाव कहीं भी जाए, लेकिन पेटीएम के निवेशकों को हुए घाटे से आईपीओ के समय तय हुए इशू प्राइस को लेकर सेबी की भूमिका को लेकर कई सवाल उठे हैं। शायद यही वजह है कि तमाम आलोचनाओं के बाद अब सेबी ने आईपीओ वैल्यूएशन को लेकर नियम सख्त करना शुरू कर दिए हैं। यानी पेटीएम के आईपीओ को लेकर अच्छी बात यही रही कि रेगुलेटर की नींद खुली है, जो शायद भविष्य में आईपीओ निवेशकों को सुरक्षित कर सके। मनी9 के लिए हर्ष चौहान की रिपोर्ट।